हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। मेरे चैनल में जो लोग नए आए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को मैं ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट में आगे जाके मुनाफा दे सकता है, ठीक है। तो और एक चीज, मैं इस चैनल में जितना भी शेयर के ऊपर वीडियो बनाया हूँ उसमें से अभी 80% शेयर प्रॉफिटेबल है, मतलब प्रॉफिट में है। अगर आप लोगों को मेरे बात पर विश्वास नहीं तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, जो भी शेयर बताया हूँ उसमें से 80% शेयर प्रॉफिट में है। अभी मेन टॉपिक में आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि पेनी स्टॉक में क्या निवेश करने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए ताकि पेनी स्टॉक में आप लोगों को लॉस ना हो। ये वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था। एक्चुअली क्या, मैं आगे आने वाले दिन में पेनी स्टॉक के ऊपर बहुत सारा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं चाहता था कि आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं पेनी स्टॉक में कैसे ट्रेड करना चाहिए, मतलब कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो पेनी स्टॉक मेनली दो टाइप का होता है। एक पेनी स्टॉक वो वाला है जो 200 रुपए पहले था, अभी शायद 4 रुपए 5 रुपए में है, और एक पेनी स्टॉक वो होता है जो पहले शायद 50 पैसा 1 रुपए में था, आज 2 रुपए है, 3 रुपए है, ठीक है। तो बहुत सारा पीपल जो इन्वेस्टर ऐसा सोचता है कि जो पेनी स्टॉक पहले 200 250 300 रुपए में था वो अगर 4 रुपए में मिल रहा है तो बहुत सस्ता मिल रहा है, हम लोग खरीद दे आगे जाके हम लोगों का मुनाफा होगा। लेकिन ये सोच आप लोगों का गलत है भाई। अगर आप लोग ऐसा सोच रखेंगे तो आप लोगों का पैसा डूबने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम नहीं बोलेंगे कि 2-4 रुपए का शेयर आगे जाके 200 रुपए नहीं होगा, लेकिन जो 200 रुपए का शेयर 4 रुपए में गिरा है डेफिनेटली उसमें कुछ बड़ा फॉल्ट हुआ है, इसीलिए गिरा है। तो पेनी स्टॉक में हम लोगों को ऐसा पेनी स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा पेनी स्टॉक को इन्वेस्ट करना चाहिए जो पेनी स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। तो आप लोगों को समझ में आया कि दो तरह के जो पेनी स्टॉक होता है उसमें कौन सा पेनी स्टॉक सही है निवेश करने के लिए, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा पेनी स्टॉक में आप लोग अगर निवेश करेंगे तो आप लोगों को मुनाफा होने का चांस बहुत अच्छा रहेगा। अभी आगे मेन टॉपिक में आ जाता है कि पेनी स्टॉक में निवेश करने का, इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। बहुत सारा ऐसे पीपल है वो सोचते हैं कि पेनी स्टॉक में मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में मैं ये पेनी स्टॉक खरीद लूंगा और ये पेनी स्टॉक आगे जाके 5 गुना हो जाएगा तो मुझे 50 लाख रुपए का इनकम हो जाएगा। कोई भी बंदे अगर ऐसा सोच रहे हैं तो तुरंत अपना सोच बदल ले, क्योंकि ऐसा सोच के अगर आप मार्केट में पैसा लगाएंगे तो 80% 90% चांस होगा कि आपका पैसा डूब जाएगा। पेनी स्टॉक में सही से इन्वेस्ट करने का सही तरीका यही होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपया है, उसमें से पेनी स्टॉक में सिर्फ आप 5% ही निवेश कर सकते हैं। जो भी कैपिटल आपके पास होगा, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो भी कैपिटल आपके पास होगा उसमें से सिर्फ 5% आप पेनी स्टॉक में निवेश करेंगे, क्योंकि अगर पेनी स्टॉक में अगर जो भी पेनी स्टॉक आप खरीदेंगे ये आपको ज्यादा मुनाफा दे सकता है, 10 गुण मुनाफा भी दे सकता है। लेकिन एक बात और भी है इसका नेगेटिव पॉइंट, ये पैसा आपका 50% 60% 90% नीचे भी ले जा सकता है, मतलब आप पेनी स्टॉक में स्टक भी हो सकता है। तो अगर आपका पूरा फंड किसी भी पेनी स्टॉक में अटक जाएगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप लोगों को प्रॉफिट करने के लिए डेफिनेटली सोचना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा आप लोगों को सोचना चाहिए कि प्रॉफिट से ज्यादा भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए लॉस कैसे कम हो। अगर आप लोगों का सोच ऐसा रखेंगे प्रॉफिट जो भी हो लॉस मुझे कम हो, तो आप लोग मार्केट में बने रह पाएंगे और बैंक प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का नजरिया ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, इसमें से आप लोग सिर्फ 5% मतलब 5000 रुपए का पेनी स्टॉक खरीद सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ये 5000 रुपया अगर अटक भी जाए तो जो आपके पास 95000 रुपया है और इसमें से अगर आप अच्छे शेयर में, जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही पिछले हफ्ते मैंने आपका डेल्टा कॉप बोल के एक शेयर है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, उस टाइम मैं बोला था कि वो शेयर का प्राइस 208 रुपए चल रहा था, अभी वो शेयर आज के डेट में 220 रुपए चल रहा है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे शेयर में 95% आप निवेश करेंगे ताकि अगर 5% में आप लोगों का नुकसान भी हो तो 95% जो प्रॉफिट करेंगे उससे आपका नुकसान का भरपाई हो जाए। ये तो एक कॉन्सेप्ट एक है। दूसरा और एक कॉन्सेप्ट है, जो 5% अपने पेनी स्टॉक के लिए निवेश करने के लिए अलग कर रखा, वो 5% में एक पेनी स्टॉक में पूरा 5% मत निवेश कर दीजिएगा, ठीक है। इस 5% को भी आप 10 सेम भाग में डिवाइड करेंगे, मतलब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, उसका 5% 5000 होता है, तो 5000 रुपीज मैं अकेला एक पेनी स्टॉक में निवेश नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, अच्छा पेनी स्टॉक जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसा पेनी स्टॉक में 10 पेनी स्टॉक में निवेश करूंगा। मतलब एक पेनी स्टॉक में मेरा जो अमाउंट रहेगा 500 रुपया। इसका मतलब अगर मेरा, मैं जो यहाँ पे पेनी स्टॉक आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो आप लोगों का 70%, मुझे जो लगता है 70% ज्यादातर आपका सही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि 50% लॉस में है 50% प्रॉफिट में है। तो
अगर 50% आपका कॉमन स्टॉक लॉस भी देता है तो 50% जो मुनाफा देगा वो आपका लॉस रिकवर कर देगा, और पूरा भी अगर लॉस हो जाए तो 95% जो आज से शेयर में है उससे आपका मुनाफा होगा। तो पेनी स्टॉक में निवेश करने का 3 मंत्र है। एक मंत्र है कि ऐसे पेनी स्टॉक चूज करेंगे जो अभी आप ट्रेंड में है, मतलब 1 रुपए से 2 रुपए जा रहा है, 2 रुपए से 4 रुपए जा रहा है, 4 रुपए से 20 रुपए में है। ऐसे स्टॉक में हम निवेश नहीं करेंगे 200 रुपए 300 रुपए 500 रुपए पहले था, अभी 20 रुपए 10 रुपए 5 रुपए में ट्रेड करता है, पहला गया। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अच्छा फंडामेंटल न्यूज आ जाता है, अच्छा कुछ न्यूज बन जाता है, फंडामेंटली कुछ अच्छा दिख मिल जाता है, कोई इन्वेस्टर मिल जाए, तभी अगर टेक्निकली भी वो शेयर आप लोगों को बाय का लिए बोले तो उस टाइम में कीजिए। लेकिन नॉर्मली 80% टाइम में आप लोगों को ऐसा पेनी स्टॉक चूज करना चाहिए जो पेनी स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आप लोगों को आपका टोटल जो भी कैपिटल रहेगा उसका ओनली 5% पेनी स्टॉक में निवेश करना है। तीसरा पॉइंट, आपका जो 5% है उसको भी 10 डिवाइडेड कर लेंगे और 10 पेनी स्टॉक को 5% टोटल जो अमाउंट है उसको 10 पेनी स्टॉक में टोटल निवेश करना है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से निवेश करेंगे तो आप लोगों को नुकसान होने का चांस ना के बराबर रहेगा, लेकिन कुछ भी 100% श्योर नहीं होता इस मार्केट में। आप कुछ भी डिसीजन लेंगे तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे एक बार बात करने के बाद की डिसीजन लें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जो मैं तरीका मैं खुद फॉलो करता हूँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी एक स्टॉक है जिसमें मैंने ऑलरेडी लॉस किया था, लेकिन किसी भी एक स्टॉक में लॉस करने से मुझे लॉस नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को यह समझना पड़ेगा लॉस और प्रॉफिट होता क्या है। किसी भी एक शेयर में प्रॉफिट करना प्रॉफिट नहीं होता है, किसी भी एक शेयर में लॉस करना लॉस नहीं होता है, लॉस होता है एवरेज में। मतलब मान लीजिए आपके पास अगर 10 शेयर है और उसमें से 8 शेयर में लॉस है, सिर्फ 2 शेयर में प्रॉफिट, मतलब आप लॉस में, और मान लीजिए आपके पास 10 शेयर है उसमें से 8 शेयर में प्रॉफिट है और 2 शेयर में लॉस है और उसका लॉस का अमाउंट से प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा है तो आप लोग प्रॉफिट में है। मैं कोशिश किया आप लोगों को समझने के लिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल आइकन में क्लिक करने के बाद एक लाइक भी दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक क्या करता है मुझे ज्यादातर वीडियो अपलोड करने के लिए और एनर्जी देता है। धन्यवाद।